पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आशुतोष के घर में मौसी की अचानक मौत हो जाती है। सिद्धार्थ अपने बर्थडे पार्टी पर लकी सेवन को इनवाइट करता है, लेकिन पार्टी के दौरान सातों दोस्तों के साथ अजीब अजीब हादसे होते हैं, जिससे उन्हें वो के साथ हुए मुकाबले की याद आती है। देर रात सिद्धार्थ डरावने कुत्ते से कहता है कि अब वक्त आ गया है, और दूसरे ही दिन जूली को सिद्धार्थ के रूप में छुपा हुआ वो नजर आता है। अब आगे As long as there's good booze and good food, huh? All right. Hi, Winnie. जल्दी आना वापस। जाना ही क्यों? बाय बाय। क्या तुम लोगों को वाकई में यकीन है कि तुम लोगों ने वो को देखा है? कैसी बातें कर रहा होगा रॉनी, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो वापस आ गया है। हाउ विल वी प्रूव इट रॉनी? मुझे लगता है हमें सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ? हाँ, सिद्धार्थ से बात करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। आशुतोष और बाकी सब तो बंटी का इलाज कराने बाबा के पास गए हैं। बोला सिद्धार्थ? क्या हुआ?
कौन हो तुम? सिद्धार्थ। सच बताओ तुम कौन हो? सच्ची मैं सिद्धार्थ आशुतोष सर हूँ। बहुत हो गया ये, सच बताओ कौन हो तुम? आप चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है। तो फिर सच बताओ कौन हो तुम? अब मुझे छोड़ो तो मैं बता सकता हूँ। नमस्ते अंकल, नमस्ते जूली आंटी। तुम लोग मेरा स्वागत नहीं करोगे जानता हूँ मैं, क्योंकि तुम लोगों ने तो ये सोच लिया था कि वो को फिनिश कर दिया। अंकल अंकल अंकल, मैं ना आप लोगों को ना एक कहानी सुनाऊंगा, एक आदमी की और एक भालू की। तुम नाम कर। एक आदमी था, हाँ, वो ना वो जंगल में गया, जंगल में गया ना तो उस पे ना एक भालू ने हमला कर दिया। आदमी समझ गया अब तो वो नहीं बचेगा। उसने ना दिमाग लगाया, हाँ, और जानते हो अंकल उसने क्या किया? उसने ना ऐसे ऐसे करके वो लेट गया मुर्दे की तरह। भालू आया, आया भालू, भालू ने देखा कि क्या मरे हुए को क्या मारना, उसने छोड़ दिया और भालू चला गया। भालू बच गया। मैं भी बच गया अपने दिमाग के बल पे, मैं भी बच गया। और देखो कैसे आ गया हूँ फिर वापस तुम्हें से एक बनके। पता है मेरे रखों में तुम्हारे दोस्त का खून दौड़ रहा है, तुम्हारे दोस्त का खून दौड़ रहा है। कितना गहरा रिश्ता बन गया है मेरा और तुम्हारा। कैसा लग रहा है? जाओ जाओ अपनी अपनी शक्ल देखो उन्होंने, जाओ। रंग मिल गया है पूरा का पूरा, रंग मिल गया है। हे थोड़ा रंग भर दूं, भर दूं रंग का। और एक बात और बता देता हूं मैं तुम लोगों को, इस बार मेरी ताकत डर नहीं है, डर नहीं है इस बार मेरी ताकत जज्बात है, जज्बात माँ के जज्बात, मम्मा की ममता, मम्मा की ममता। सिद्धार्थ कहाँ गया ये? सिद्धार्थ कहाँ घूमता रहता है? सिद्धार्थ लड़का सिद्धार्थ मम्मी रे।
शरारती बहुत शरारती है। अच्छा आप लोग रुक गए, अब बैठिए मैं सबके लिए पराठे बनाती हूँ। चल पागलू, मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ। Hi guys. क्या बात है, सभी तो उदास क्यों लग रहे हो? अशोक बैठ दे सर। बता क्या बात है? आशुतोष, समटाइम्स रियलिटी इज वर्स देन नाइटमेयर। हम अपने अतीत को कितना भी दबाने की कोशिश करें फिर भी वो अतीत कभी ना कभी उभर के सामने आ ही जाता है। ये सब क्या है राहुल, कोई नया गेम है क्या? नहीं आशु, कोई गेम नहीं है। पिछली बार जिस सच्चाई से तुम पहले वाकिफ हुए थे, इस बार हम उसी सच्चाई से पहले वाकिफ हुए। दैट्स द ओनली डिफरेंस। वो वापस आ गया। और इस बार क्या? इस बार वो तेरा बेटा बनकर आया यार। वो वापस आ गया सिद्धार्थ बनकर। मैं जानता था, जब तुमने आज अचानक जाने का प्लान चेंज कर दिया ना, तब मैं समझ गया कि आज के मजाक का टारगेट मैं हूं। किसके दिमाग की उपजती है हा? राजा, ये आइडिया तेरे ही दिमाग में से निकला आएगा। अशोक, हम लोग मजाक नहीं करें, वी आर सीरियस। देख राजा, सिद्धार्थ मेरा बेटा है और उसके बारे में इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है। काश ये मजाक ही होता। बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? एक मिनट, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कुछ भी कहोगे मैं मान जाऊंगा? आशु प्लीज, आज हम लोग का जाना कितना जरूरी था तुम्हें पता था, फिर भी हम नहीं गए। क्यों? क्यों? क्योंकि आशु, आशु जब हम तुझे विदा कर रहे थे तो हमने देखा कि तेरे साथ वो खड़ा हुआ था, सिद्धार्थ नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन राहुल, ये तुम लोगों का वहम भी तो हो सकता है। नहीं आशु, वहम नहीं है, सिद्धार्थ ने खुद ने कबूल किया है। He spoke to us. वो spoke to us. हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। सिद्धार्थ, वो ऐसा हुआ है आशु, सिद्धार्थ ही वो है। मुझे यकीन नहीं है, आई डोंट बिलीव इट। यू हैव टू बिलीव इट आशु, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। ये सब कुछ हुआ है, कैसे ये तो हमें भी नहीं मालूम, but we just have to face the facts। आशु सोच, शादी के बाद 7 साल तक तुम्हें बच्चा नहीं होता है और फिर अचानक, and look at this coincidence, जिस दिन हम वो को खत्म करते हैं उसी दिन तुम्हें पता चलता है कि राधिका इज प्रेग्नेंट। नाउ यू डोंट फाइंड दैट स्ट्रेंज? Was back, Ashu. इस बार तुम्हारा बेटा बनकर वो कभी मरा ही नहीं था।
सिद्धार्थ आजा बेटे, मौसी बुला रही है। क्या हुआ? पापा मौसी होगी? हाँ होगी। आपके दोस्तों को बुलाऊंगी। थैंक यू पापा, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू पापा। लेकिन बेटा हमने तो अपने हिस्से का खा लिया है। ये तुम्हारे हिस्से का नहीं, ये तो रोहित के लिए है। It's okay. बस थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ कि तुम सिद्धार्थ के पिता हो। जस्ट थिंक रैशनली। लेकिन जूली, सिद्धार्थ जब इस केव्स में आए हैं, हमें वो की मौजूदगी का एहसास हुआ है। वही बदबू, वही ठंड, वही आवाजें। लेकिन तुमने नोटिस किया, आज सब कुछ इतना शांत है। आई एम श्योर हमें यहाँ कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। शिवा, वहां देख कोई बैठा है। Thank you.